स्वागत है जी आप सबका चिटोर के एक और नई वीडियो में। और भाई इस वक्त मैं हूँ जी सियाटल डाउनटाउन में, और आज मैं आपको ना इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ अपने हॉस्टल का टूर, कि अगर आप हॉस्टल में यहाँ पे रहने आते हैं तो आपको क्या पे करना पड़ेगा, क्या फैसिलिटीज़ मिलेंगी, सारी सारी डिटेल इस व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आपको ना लोकेशन दिखा देता हूँ, एकदम प्राइम लोकेशन में भाई हॉस्टल। आप सामने देखो पब्लिक मार्केट सेंटर, फार्मर्स मार्केट एक मिनट दूर है हार्डली। और भाई लोकेशन देख लो, पूरी पूरी काफ़ी बढ़िया लोकेशन है। और सामने जो रेड बिल्डिंग है ना, ये है जी हॉस्टल, और हॉस्टल का नाम है जी ग्रीन टोर्टाइस हॉस्टल। अब अंदर चलते हैं, पूरा एक्सपीरियंस शेयर करूँगा हॉस्टल का, मैं क्या पे कर रहा हूँ, क्या फैसिलिटीज़ वगैरह मिल रही हैं, रूम का भी टूर दिखाऊँगा कि किस तरीके से रूम्स वगैरह हैं, सारी डिटेल मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। और ये है जी एंट्री गेट, अंदर एंटर करते हैं। स्टार्टिंग में लगी हुई जी एटीएम मशीन, अगर आपको कैश वगैरह निकालना है। यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे सब जगह सियाटल फ्री वॉकिंग टूर और सियाटल 101, दो टूर हैं जो डेली हैं यहाँ पे। बाकी भाई कॉम्प्लीमेंट्री फ्री आइसक्रीम वगैरह चीज़ें भी यहाँ पे मिलती हैं। ये है जी रिसेप्शन, एटीएम मशीन यहाँ पे एक और लगी हुई है। ये है जी किचन, किचन का टूर दे देता हूँ अंदर से, किचन किस तरीके से है, लोग अपना खाना खुद प्रिपेयर कर रहे हैं, सब कुछ इस तरीके से आप भी कर सकते हो। यह जी यहाँ पे फ्री फूड, जैसे कुछ लोगों का कुछ खाना वाना बच जाता है ना फेंकने से, अच्छा फ्री फूड वाली कैटेगरी में रख जाते हैं कि जिस मर्जी को ट्राई करना है खाना पीना वो खा सकता है। सामने गैस वगैरह है, टी कॉफ़ी का ऑप्शन दे रखे 24 आवर्स, आपको टी कॉफ़ी कॉम्प्लीमेंट्री यहाँ पर मिलती है। यहाँ पर बर्तन वगैरह सारे पड़े हैं जो आपको यूज़ करने है, बस कंडीशन ये है जो जूठा करोगे वो आपको खुद धोना पड़ेगा। बाकी यहाँ पे ये शेल्फ है, कटिंग बोर्ड, गैस स्टोव, और भाई यहाँ पे सामने माइक्रोवेव वगैरह सारे ऑप्शन वगैरह दे रखे हैं, देखो लोगों अपना खाना खुद प्रिपेयर कर रहे हैं। और भाई आगे चलते हैं, आगे दिखाता हूँ। और भाई यहाँ पे लगता है जी ब्रेकफास्ट जो होता है जी कॉम्प्लीमेंट्री सबके लिए फ्री, उसके शॉट्स मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ, सुबह मैंने ट्राई किया था, वो बीच में वीडियो के मैं ऐड कर दूँगा। भाई एक बार ना आपको क्विक ओवरव्यू दे देता हूँ फटाफट कि ब्रेकफास्ट में क्या क्या है, लोग यहाँ पर आने शुरू हो गए ज़्यादा। ये है जी कॉर्नफ्लेक्स वगैरह पड़े हुए, तीन ऑप्शंस हैं, मिल्क है, ये कॉफ़ी है, इसके अंदर स्वीटनर वगैरह चीज़ें पड़ी हुई हैं, और ये है जी डिकैफ टी, स्वीटनर, ब्लैक टी और हॉट कोको। इसमें है जी ऑरेंज जूस, पाइनएप्पल, ऑरेंजेस, ये कोई ब्रेड है, इन्होंने बताया कि ये स्वीट ब्रेड है और इसके बीच में कुछ स्टफिंग डली हुई है। साथ में जी म्यूसली, तीन चार ऑप्शन है ब्रेड के, बाकी टोस्टर पड़ा हुआ है, वाइट बटर लेना चाहो वाइट बटर ले सकते हो, पीनट बटर है और दो तरीके की जैम है। तो भाई ये है ओवरव्यू पूरा ब्रेकफास्ट का, अब मैं भी ब्रेकफास्ट ले लेता हूँ अपना। भाई ये है जी मेरा आज का ब्रेकफास्ट, एक बार ब्रेकफास्ट देख लो क्या क्या चीज़ ट्राई कर रहा हूँ। ऑरेंज जूस लिया जी, पाइनएप्पल्स लिए हैं, दो पीस ब्रेड लिया, एक पीस में जैम है एक तरीके की, दूसरे पीस में दूसरे तरीके की जैम है, और साथ में लगाओ जी पीनट बटर, लोग जैम और पीनट बटर मिक्स करके ब्रेड में लगा रहे थे, सोचा मैं भी ट्राई करके देखता हूँ। इसका जो मैंने पे किया, अभी मैं पूरा जो ब्लॉग कवर करूँगा ना उसमें मैं एक दिन का कितना पे कर रहा हूँ वो मैं बताऊँगा, जिसमें मेरा ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड है, और शाम को भी कुछ ना कुछ ये कॉम्प्लीमेंट्री वगैरह देते हैं, जैसे कि संडे को लिखा हुआ है कि फ्री डिनर है सबके लिए। तो बाकी भी ओवरऑल मेरा ब्रेकफास्ट का एक्सपीरियंस बढ़िया है। ओपन एरिया वगैरह दिखा देता हूँ आपको, ये कॉमन एरिया है और इधर भी कॉमन एरिया है। तो अगर आप यहाँ पर आते हो
तो आप कॉमन एरिया में जब मर्जी बैठ के कुछ खाना पीना वो खा सकते हो, काम वगैरह करना है लैपटॉप वगैरह लगा के आप मज़े से यहाँ पे बैठ के काम कर सकते हो। रिसेप्शन वगैरह जो है यहाँ पे 24 आवर्स ओपन है। बाकी ऊपर रूम्स दिखा देते हो कि रूम में क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलती हैं, किस तरीके के हैं, क्या मैंने पे किया है, सारा कुछ मैं आपको रूम का भी ओवरव्यू दे देता हूँ एक बार। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए इंफॉर्मेशन मिली हुई हैं, थिंग्स टू डू इन सिएटल, एक्सप्लोर सिएटल म्यूज़ियम वगैरह, वेजिटेरियन रेस्टोरेंट्स आसपास कौन कौन से हैं, वो सारे के सारे इंफॉर्मेशन मिली हुई है। कुछ मैगजीन्स वगैरह पड़ी हुई हैं जो कि आप लोगों के लिए काम होंगी। सिएटल फ्री वॉकिंग टूर है जो यहाँ से ये डेली सुबह 7 बजे के करीब सिएटल फ्री वॉकिंग टूर करते हैं। जो लोग जाना चाहते हैं वो वहाँ पे वॉकिंग टूर में भी इनके साथ ज्वाइन कर लेते हैं। अब ऊपर चलते हैं, रूम दिखाता हूँ आपको। ये जो ऊपर एंट्री, यहाँ पे भी रूम्स हैं काफ़ी सारे, बहुत बड़ा हॉस्टल बना हुआ है। ऊपर चलता हूँ मैं, अपना रूम दिखाता हूँ, क्योंकि भाई दूसरे के रूम में तो एंट्री कर नहीं सकता। अपना रूम दिखा के आता हूँ एक बार आपको कि किस तरीके से पूरा है। सिक्योरिटी सेफ्टी वगैरह का पूरा ध्यान दिया हुआ है। ये देखो जी, 210 से 221 इधर है और इधर भी रूम्स हैं। ये लॉक हो जाता है, ये खोल नहीं सकता कोई और बंदा, जिसके पास ये चाबी है वही खोल सकता है। ये देखो जी, रूम्स ही रूम्स हैं, सामने भी इधर भी। बहुत बड़ा हॉस्टल बना और एकदम साफ़ सुथरा बढ़िया। ये वॉशरूम है, ये सारे वॉशरूम हैं। और मेरा रूम है जी 217 नंबर। इसको ओपन करते हैं। तो जी कुछ इस तरीके से है जी रूम। यहाँ पे सिंक वगैरह लगी हुई है, मिरर है, और मेरा जो है ना बंक बेड वो है जी ये वाला, ये मेरे को मिला हुआ है। ऊपर भी कोई रह रहा है। और इधर है जी ये डबल बेड। आपको डबल बेड लेना है तो आप भी ले सकते हो, प्राइस उसका डबल हो जाएगा। बाकी अगर सिंगल बंदा है तो इसमें आराम से रह सकता है। बाकी भी यहाँ पे हीटिंग ऑप्शन वगैरह भी दे रखा है, जब बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है तो हीटिंग वगैरह भी स्टार्ट कर देते हैं। एक बार वॉशरूम वगैरह भी दिखा देता हूँ कि वॉशरूम यहाँ पे किस तरीके के हैं। ये जी ये खाली है, इसको दिखा देता हूँ। यह जी कुछ वॉशरूम इस तरीके से, यहाँ पे शावर लगा हुआ है। एक बार आपको ना वॉशिंग एरिया भी दिखा देता हूँ कि वॉशिंग एरिया के लिए वॉशिंग मशीन वगैरह के भी इन्होंने प्रॉपर अरेंजमेंट कर रखे हैं, वो भी देख लो। इधर है जी वॉशिंग एरिया, इनका यहाँ पे स्टोर रूम भी है जो सामान वगैरह भी आया है। ये देख लो जी लॉन्ड्री रूम, इतनी सारी वॉशिंग मशीन्स वगैरह लगी हुई हैं यहाँ पे, इनका ये स्टोर रूम है। और बाकी भी अगर सिक्योरिटी की बात करूँ तो की से लॉक खुलते हैं, अदरवाइज़ कोई बंदा लॉक नहीं खोल सकता। बाकी कॉमन एरिया जितना भी है सब जगह प्रॉपर CCTV वगैरह लगे हुए हैं, तो मतलब सेफ्टी वगैरह का भी प्रॉपर ध्यान दिया हुआ है। बाकी आप बताओगे आपको हॉस्टल कैसा लगा। इसका जो मैंने पे किया जी, मैंने पे किया जी $45 per day, मतलब अगर आप हॉस्टल में रहते हो तो $40-50 में यहाँ पे सिएटल में रह सकते हो। होटल लोगे तो कम से कम $100 per day का आपको होटल मिलेगा। बाकी अगर आप टॉवल वगैरह चीज़ें लेना चाहते हो उसका एक्स्ट्रा चार्ज है, $1 लेते हैं टॉवल्स का चार्ज। बेडशीट वगैरह ब्लैंकेट वगैरह सब कुछ इस प्राइस के अंदर $45 के अंदर इंक्लूड है। तो ये कमेंट करके मेरे को बताना कि आपको ये हॉस्टल का टूर कैसा लगा। अगर आप सिएटल आ रहे हो तो भाई यहाँ पर रह सकते हैं। मेरे को तो हॉस्टल बहुत बढ़िया लगा, इसका मैंने जो पे किया वो भी मैंने आपको बता दिया। इस वीडियो को भी यहीं पे क्लोज़ करता हूँ, बहुत जल्द मिलेंगे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।